बिकरू कांड की आरोपी नाबालिग किशोरी कोर्ट में हुई पेश। देश का बहुचर्चित हत्याकांड बिकरू कांड में आरोपी बनाए गए नाबालिग किशोरी आज किशोर न्याय बोर्ड में हुई पेश। कोर्ट ने पेशी पर आई नाबालिग की फाइल को रखा रिजर्व में। आपको बता दें कि कानपुर बिकरू कांड में डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या के आरोपी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी को आज कानपुर देहात की किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया। कानपुर का बिकरू कांड देश विदेश में बहुत चर्चित हुआ। अमर दुबे की पत्नी के शिक्षा प्रमाण पत्रों के आधार पर कोर्ट ने उसे नाबालिग घोषित कर दिया था। नाबालिग बालिका को पुलिस ने अपराधी बनाया। इस समय वो बाराबंकी से आज लाई गई है, बाराबंकी संप्रेक्षण गृह में थी। आज दरअसल तिथि थी उसके लिए निर्धारित, उसका प्रारंभिक निर्धारण किया जाना था। प्रारंभिक निर्धारण माननीय न्यायालय, माननीय बोर्ड ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर क्या परिस्थितियाँ थीं, क्या जो किशोर है जिसको आरोपित किया गया है या जो लड़की है, क्या वो अपराध करने में सक्षम थी, क्या वो अपराध की गंभीरता को समझने में सक्षम थी, क्या उसके द्वारा किया अपराध किया जाना संभव है। इसी की कड़ी में बोर्ड के द्वारा पहले इसका साइको एनालिसिस भी कराया गया था, उसके ब्रेन की क्या उसकी समझ के बारे में कराया गया था। तो उस संबंध में आज हमारे द्वारा भी आर्गूमेंट किए गए माननीय न्यायालय से, माननीय बोर्ड से हमने इस बात के लिए अनुरोध भी किया कि एक्ट में एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए कहा गया है, जो लोग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी किशोर अपराध को डील कर सकते हैं उन्हीं से इसका साइको एनालिसिस कराया जाए। माननीय न्यायालय ने सुना है और अभी कोई आदेश नहीं। सर, आपकी जो कोशिश है, जैसे कोर्ट अभी हेयरिंग करेगी, आप उसमें जवाब तलब करेंगे, तो आपकी हेयरिंग के बाद क्या कोर्ट उसको खुशी को निर्दोष साबित कर सकती है? नहीं, ये देखिए, अभी ये गुण दोष पर नहीं है अभी, तो क्योंकि गुड़ दोष पर ट्रायल बाद में चलेगा। दरअसल हुआ क्या है, 2016 में जो नया एक्ट आया उसमें उन्होंने ये कहा है, एक्ट में ये है कि कोई अगर अपराधी जो जुवेनाइल है, अगर उसकी उम्र 16 या 16 से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप लगाने से पहले उसकी मानसिक स्थिति का जरूर अवधारणा की जाए कि क्या वो अपराध को समझ सकती है या समझ सकता है, क्या वो सक्षम थी। कई बार ये होता है कि वो सक्षम ही नहीं, छोटा बच्चा है, इस तरह से नहीं है कि वो अब ईंटा भी उठा सके, कुछ भी अपराध कर सके। तो ये सब उसी की प्रक्रिया का हिस्सा है और इसके बाद फिर आगे जब इसका ट्रायल चलेगा तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है मुझे न्याय से न्याय मिलेगा। अच्छा, ये बताया गया है कि वो खुशी भी अपराध में शामिल थी, क्या उसने अपराध किया था? नहीं, इस तरीके का कोई भी साक्ष्य पूरी पत्रावली में नहीं है। मतलब खुशी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कोई भी साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। ये पुलिस की अपनी एक मैं कहूँ तो ये इट्स अ काइंड ऑफ रिवेंज एक्ट, मतलब शक के आधार पे उसको रखा। शक नहीं, शक क्या उस समय चूंकि अमर से उसको किसी तरह से कनेक्ट कर रहे थे और एक तरह से अगर इसे कहें तो बदले की भावना में रखा, नहीं करना चाहिए।